हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बहुत यम्मी सा मखाने का रायता बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने आधा किलो ये दही ली है। इसको हम विस्कर से अच्छे से फेंट लेंगे। अनार के कुछ दाने निकाले हैं। ये मैंने भुना जीरा लिया है 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर है 2 पिंच, नमक स्वाद के अनुसार, काला नमक 1/4 टीस्पून, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर है, ऑप्शनल है, पुदीना सूखा हुआ है, सूखा पुदीना भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। ये 1 कप मखाने को ना हम ड्राई रोस्ट करेंगे, और जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए ना, तोड़ के देखें आप, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए तब हम इनको निकाल लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इनको लगातार चलाते हुए मखानों को रोस्ट करेंगे। ये बहुत हेल्दी आपका रायता बनने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो ज़रूर बना कर खाइए। मखाने अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी बनता है। अगर आपने पहले से रोस्ट करके रखे हैं ना मखाने, तो फिर और जल्दी बन जाता है रायता। और ये देखिए मखाने ना इस तरह से कितने ऐसे बिल्कुल क्रंच हो जाते हैं, तो इस टाइप से जले भी नहीं है और हमने इनको रोस्ट भी कर लिया। तो अब हम कर्ड को ना मिक्स करते हैं, अच्छे से फेंट लेते हैं, और देखिए बहुत अच्छे से स्मूथ हो गई है ना, पूरी दही बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो गई है। तो आप कम ज़्यादा अपने आप कर सकते हैं। इसमें हम मखाने डाल देंगे। रायता ज़्यादा है इसलिए मैंने 1 कप लिया है। उसके बाद मैं सारे इसमें ये मसाले डाल दूंगी। रेड चिली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, स्किप भी कर सकते हैं। ग्रीन चिली मैं नहीं डाल रही हूँ। मिक्स कर लिया है अच्छे से और मैंने नमक टेस्ट भी कर लिया है, और मैं ये फ्रेश पुदीना के पत्ते भी कुछ काट कर इसमें डाल रही हूँ। नमक बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़े से हम इसमें डालेंगे अनार के दाने, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर अनार के दाने नहीं है ना, आप ऐसे भी बनाकर खाइए। ये देखिए, तो सर्व करती हूँ मैं दूसरे बाउल में, और रेडी है हमारा ये रायता मखाने का। इसमें मैं थोड़ा सा भुना जीरा डालूंगी, गार्निश करेंगे भुने जीरे से, थोड़ा और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पिंच रेड चिली पाउडर, और ऊपर से ये थोड़े से अनार के दाने। पुदीना के कुछ कटे हुए पत्ते, और बस ये हमारा रायता तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। आपको मैं पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर ये रायता तैयार है। थैंक यू सो मच।